हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले नवंबर 2022 टीवाई बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करेंगे। यहां पर हम लोग एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है कि आपको एग्जाम में फिर से ये एग्जाम में पूछेगा। ये चैप्टर नंबर है सेकेंड, मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, कभी कभी 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है तो कभी कभी ये 20 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन पूछता है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, अभी पिछले साल भी आया था 2024 में भी, लेकिन 22 का देख लेते क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द एमके लिमिटेड। किसकी है ये? एमके लिमिटेड की। ठीक है, फॉर द ईयर 2020 एंड 2021। अब कभी कभी ना यहाँ पर ना दो कंपनी का नाम, जैसे दो प्रोडक्ट का नाम दिया रहता है, ए और बी, ऐसा कुछ भी दो तो या तीन दिया रहेगा, एक्स वाई जेड दिया रहेगा। अगर 20 मार्क्स का बोलेगा तो डेफिनेटली आपको 3 का बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए। अगर 10 मार्क्स के लिए दो रेशियो तो करेगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स बोल दिया, ओपनिंग स्टॉक 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 80,000, परचेस मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर मैं 2021 की बात करूं तो ये मुझे रेशियो में पता नहीं है, बाकी 3 वैल्यू पता है। और मुझे फाइंड क्या करना है, परचेस एंड कॉस्ट ऑफ, मतलब ये पहले 2022 का ना मुझे सीओजीएस फाइंड करना है। डियर क्या करना है, सीओजीएस और परचेस की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, कर लेंगे हम लोग। और सेकंड वाले का हम लोग को करना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो और सीओजीएस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप लोग का कैसा भी आंदोलन कॉलम आपको आना चाहिए बनाने की, तो मैंने क्या लिखा हूं, पर्टिकुलर ओपनिंग स्टॉक 2021। ठीक है, यहां पर अब ये फॉर्मूला रखना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस। अगर और भी तुमने कुछ बाय किए रहेंगे तो वो परचेस करेंगे, और लेस क्या करेंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक ही करेंगे, याद रखना। ठीक है, हमेशा। अब क्वेश्चन में दो, पहले 2022 करो, परचेस दिया है क्या? हाँ सर दिया है। परचेस से तो नहीं दिया सर, छोड़ दो अभी। अच्छा, दूसरा वाले का दे दे, कितना दिया है? 21 का कितना दिया है? 3,40,000। जो साल का दिया है वो साल का तो लिखो कम से कम। ठीक है, और उसके बाद में नेट परचेस, यहाँ का परचेस, सॉरी ओपनिंग स्टॉक दिया था मुझे, ओपनिंग कितना है 40,000, और यहां था मेरा 30,000। ठीक है, सॉरी 30 और 40। ठीक है, उसके बाद में ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग एक का दिया 80, एक का दिया 50। क्लोजिंग की जगह ले जाओ, एक का 80 और एक का 50, और जब भी माइनस करेगी तो ब्रैकेट में उसको डाल देना। ठीक है, परचेस मुझे एक का नहीं दिया, एक का दिया, तो यहां पे ऐसे डाल दो, यहां लिख दो 3,40,000। तो 30,000 ये हो जाए तुम्हारा 3,80,000। ठीक है, और ये 50,000 अगर मैं माइनस करता हूं, चलो फटाफट माइनस करो, कैलकुलेटर अपने पास में होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, 3,80,000 माइनस 50,000, सो यू विल गेट 3,30,000। ठीक है, और यहां पर मुझे ये वैल्यू पता ही नहीं है, लेकिन अगर मैं सीओजीएस ढूंढ लेता हूं, सीओजीएस अभी देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज, क्या है एवरेज। ठीक है, एवरेज का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला ढूंढ लेते हैं। एवरेज का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो यहां लिख देता हूं मैं 2020 और यहां लिख देता हूं 2021। तो 2020 के लिए ओपनिंग कितना है हमारा, देखो ओपनिंग है 40,000, 40,000 प्लस क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग दिया 80,000। ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो दोनों मिला के हो जाएगा 1,20,000 डिवाइड बाय 2, तो आपको मिलेगा 60,000। ये किसका मिला, पहले वाले, सेम टू सेम 2021 का भी करेंगे। इसका ओपनिंग कितना दिया है, 30,000 दिया है, और क्लोजिंग कितना दिया है, 50,000। तो 30,000 प्लस 50,000 प्लस डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 80 डिवाइड बाय 2, तो यू विल गेट 40,000। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुटअप करेंगे फटाफट। यहाँ पे है सीओजीएस, अगर मैं बात करूं 2020 की, ठीक है, यहाँ पे 2020 कर लेता हूँ, यहाँ पे 2021 कर लेता हूँ। तो 2020 के हिसाब से अगर मैं जाऊं, कॉस्ट ऑफ मेटल मुझे पता है क्या, नहीं पता, लेकिन मुझे टर्नओवर रेशियो पता है इसका, कितना देखो क्वेश्चन में दिया था ना 4 टाइम्स, कितना दिया है क्वेश्चन में, जो उसका रेशियो दे दिया स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला याद रखना, मटेरियल टर्नओवर रेशियो मतलब होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, क्या होता है
स्टॉक, तो यहाँ लिखूंगा फोर। फॉर्मूले के हिसाब से सीओजीएस मुझे पता नहीं है, लेकिन एवरेज मिल गया मुझे। कितना मिला एवरेज? 60,000। चलो इसको अभी इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60,000 इंटू फोर, तो यू विल गेट 2,40,000। मतलब सीओजीएस मिल गया मुझे 2,40,000। ठीक है, अब अगर 2,80,000 में से मैं माइनस करता हूं, 80,000, 2,40,000 में से 80,000, सो यू विल गेट 1,60,000। तो ये आपका मिल गया नेट परचेस। ठीक है, चलो अभी 2021 का बाकी हमारा सीओजीएस कितना मिला अभी हम लोग को, 3,30,000। चलो ये पता नहीं, इसको ऐसे रहने दो। 3,30,000 डिवाइड बाय एवरेज, एवरेज कितना मिला अभी आपको, 40,000। चलो डिवाइड कर लो फटाफट, 3,30,000 डिवाइड बाय 40,000, सो यू विल गेट 8.25 टर्नओवर रेशियो। मतलब यहां पे मुझे कितना मिलेगा, 8.25 रेशियो। और क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा था फाइंड आउट करने के लिए, तो सीओजीएस भी मैंने फाइंड आउट कर दिया, परचेस भी, परचेस मिला मुझे 1,60,000, और सीओजीएस कितना मिल गया, मतलब टर्नओवर रेशियो मुझे मिल गया 2। और सेकंड में क्या बोला था फाइंड आउट करने, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वो भी हम लोग ने कर दिया, और सीओजीएस भी हम लोग ने इसका फाइंड आउट कर दिया। तो ये क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स आप लोगों को पूछा जाता है, 10 मार्क्स के लिए भी पूछता है और 20 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ जो आपके नॉर्मल जो सॉल्विंग में दिया हुआ है, ताकि आप लोग को अगर एग्जाम में आता है कल के वीडियो में, तो ये आप लोग कर लेना अगर आएगा तो। ठीक है, ये देखो इन्वेंटरी टर्न रेशियो, रेशियो ये है बेसिक सा, इसका फॉर्मूला इन्वेंटरी टर्न रेशियो का, सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज, एकदम शॉर्ट में अगर मैं बोलू क्या है। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसा मिलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, एवरेज स्टॉक का ये फॉर्मूला है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, ये 20 मार्क्स का शायद कल आ सकता है एग्जाम में, शायद किस्मत अच्छी रही तो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेट ऑफ ईयर एंडेड 31st, कैलकुलेट द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एंड पुट द फॉरवर्ड योर कमेंट्स। ये 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मटेरियल एक्स और वाई का है, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेस दे दिया, क्लोजिंग दे दिया। तो सबसे पहले देखो, इसने पूरा इसी में अच्छे से कर दिया है। पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ मटेरियल फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने बताया, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग कितना है 20,000, परचेस कितना है 1,04,000, दोनों का प्लस करो फिर माइनस करो, तो आपको ये क्या मिल गया है, सीओजीएस मिल गया। जैसा हम लोग ने एक्स का फाइंड किया, सेम टू सेम हम लोग भी क्या करेंगे वाई का। फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस सॉरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहां से आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब हमको फाइंड करना है एवरेज इन्वेंटरी, इसका फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओएस प्लस सीएस, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग कितना है 20 और ये कितना मिला 12, तो दोनों हो जाएगा तुम्हारा 32 डिवाइड बाय 2, तो आपको मिला 16,000 और ये मिल गया 20,000। डन सर, डन। अब मुझे मेन फाइंड क्या करना है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं और मटेरियल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को कितना मिला, 1,12,000 डिवाइड बाय, तो यहाँ पे तुमको मिलेगा 7 टाइम्स, ये मिलेगा तुमको 2.5। तो इसका एक सम और है, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे तीन मटेरियल का पूछा है, ए बी सी, कोई भी टेंशन नहीं, फॉर्मूला अपना वही एक मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। तो पहला मटेरियल का निकाले ए का, यहाँ पर आपको सारी चीजें दी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन में पहले मटेरियल का आप लोग क्या फाइंड आउट करोगे डियर स्टूडेंट्स, मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, एबीसी का कर देंगे, फिर एवरेज का करेंगे। एवरेज का क्या है, एबीसी जो आपको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 मिल गया। मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, एबीसी करके डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा। यहां पर एग्जाम में आपको एक चीज और पूछा, डेज में फाइंड करने बोल रहा है, किस में करना है बोल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी आपको डेज मिलेगा, जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या है तुम्हारा डेज का, 365 इंटू 450 डिवाइड बाय 12,000। 12,000 मतलब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो भी आप लोग का आएगा उससे हमको क्या करते रहना, डिवाइड करते रहना। मतलब ये जो मेटल कंज्यूम जो आया रहेगा ना डियर फ्रेंड्स, अगर डेज में फाइंड करने बोलता है एकदम इजी, 365 लिखने का, आपका पहले का क्या आया था 26, इसको डिवाइड कर दो, मतलब 14 डेज अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं डिवाइड करता हूं इसको 365 डिवाइड बाई 26.6, तो डेज तो कभी भी 13 दिन होते नहीं,
3.72, तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे 14 डेज। हाँ अगर 13.30 होता, 50 के अंदर होता तो इसको 30 डेज ही रख देता। तो ऐसा आगे लिखना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा आपको कुछ भी हार्ड आने वाला नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये आप लोगों को 10 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, पिछले साल नहीं आया था तो हो सकता है इस बार आ जाए। आया था पिछली बार 2023 का क्वेश्चन पेपर में आया था, तो इस बार भी आपको एग्जाम में आ सकता है। 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसमें सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला मेन, तो जो तुम्हारा है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का मेन फॉर्मूला है मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। ठीक है, और मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स, मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला फटाफट बताओगे मुझे, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये वाले फॉर्म में लिख देता भले ही, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको क्या मिलता है COGS कंज्यूम गुड्स। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम। अगर मैं बात करूं एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, मतलब 11 मिनट में अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। चाहिए तो मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन भेज दूंगा, किस्मत अच्छी रही। अगर ये नहीं आए तो डेफिनेटली आपको फीफो तो आता ही आना है, जो दो में से ऑप्शन है, फीफो अगर आ गए तो ये नहीं आएगा। अगर किस्मत इतनी अच्छी थी लास्ट ईयर फीफो भी आया था एग्जाम में और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी आता, हो सकता है कि आपको 10-10 मार्क्स के लिए पूछे, 20-20 के लिए भी पूछ सकता है। तो अच्छे से करो, और बहुत इजी क्वेश्चन है। और जो मैंने अभी जो सॉल्व किया था इसमें मिसिंग फिगर है, और जो पहले वाले जो सम है इसमें मिसिंग फिगर नहीं है। थोड़ा सा शांति दिमाग से लगाओ और आधे घंटे में आप अपना ये 10 या 20 मार्क्स ले सकते हो, एग्जाम में कितने मार्क्स ले आते हैं अब आना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और जितना हो सके वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट कर देना। और जिसको भी अगर इसका पूरा PDF चाहिए तो आप प्लीज मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइंट हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।